नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संभव एजुकेशन। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम जीके के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बिहार पुलिस की परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा, स्पेशल ये क्लास बिहार पुलिस भर्ती 2024 के लिए है। तो सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसे नोट डाउन कर सकते हो। जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताए जाएं उन्हें भी ध्यान से सुनिए, क्योंकि परीक्षाओं में उनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 60 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। धरोहर संग्रहालय कहाँ पर है, ये आपको बताना है। धरोहर म्यूजियम कहाँ पर है, तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग आंसर भी जल्दी से दीजिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हरियाणा। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, धरोहर संग्रहालय हरियाणा में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, हरियाणा करेक्ट आंसर होगा इसका। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर दो के लिए। बताइए शून्यवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर दो का क्या पूछा गया है, शून्यवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, नागार्जुन। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, नागार्जुन शून्यवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर तीन के लिए। यूएसए ने कब लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया था, ये आपको बताना है। अमेरिका ने कब लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया था। जिसने भी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 1787 बी करेक्ट आंसर होगा। यह क्वेश्चन बहुस्तरीय परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। वैसे आप लोग याद रखिएगा, यूएसए ने 1787 में लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फोर के लिए। बताइए वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। सभी इसका आंसर करिएगा, वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष आपको बताने हैं कौन थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, केसी नियोगी। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। केसी नियोगी वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष थे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार आप सभी का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। केसी नियोगी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फाइव के लिए। बताइए पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत की किस परंपरा से संबंधित हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फाइव के लिए। बताइए पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत की किस परंपरा से संबंधित हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, हिंदुस्तानी। या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत की हिंदुस्तानी परंपरा संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर सिक्स के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर सिक्स के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कमांड कंट्रोल प्लस पी का प्रयोग क्यों किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, ये आपको बताना है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर सिक्स के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कमांड कंट्रोल प्लस पी का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पेस्ट करने के लिए। क्या करने के लिए, पेस्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर सेवन के लिए। भारत के भौगोलिक केंद्र होने के कारण निम्न में से किस शहर को जीरो मील सेंटर कहा जाता है। सभी इसका आंसर करिएगा, आपको बताना है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको, इनमें से किसे भारत में जीरो मील सेंटर कहा जाता है। नागपुर, भोपाल, इंदौर या फिर जबलपुर, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर सेवन के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, नागपुर को। क्या करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, नागपुर को भारत में जीरो मील सेंटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ये महाराष्ट्र का शहर है, इसे ऑरेंज सिटी के नाम से भी जाना जाता है भारत में। अगर पूछा जाए भारत में ऑरेंज सिटी के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा, नागपुर को। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर आठ के लिए। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। गुड इवनिंग।
तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए, ये क्वेश्चन कई परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लखनऊ। क्या करेक्ट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर होगा। तो आप लोग याद रखिएगा, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, लखनऊ करेक्ट आंसर होगा इसका। ए करेक्ट आंसर नहीं होगा कानपुर। अगर क्वेश्चन पूछा जाता भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, क्या पूछा जाता भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तब आप लोग याद रखिएगा कानपुर करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर क्या राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, जीवन रक्षक धातु किसे कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रेडियम। रेडियम को कहा जाता है जीवन रक्षक धातु। बी इसका राइट आंसर होगा यूरेनियम को येलो केक कहा जाता है, पारा एकमात्र धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा जलाशय से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है, ऑर्गन, ओजोन, ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ओजोन, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्या करेक्ट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर होगा, ओजोन करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। बताइए मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा कौन थे, मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा आपको बताना है कौन थे, इसका राइट आंसर क्या होगा। डी करेक्ट आंसर होगा, बाजीराव जी मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा थे और पेशवाई को समाप्त किया गया था 1818 में। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है बाजीराव द्वितीय करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए, सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। बताइए लोकसभा को भंग करने का सबसे पहला अधिकार किसके पास है, लोकसभा को भंग किया जा सकता है जबकि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा राष्ट्रपति के पास। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए, विश्व डाक संघ का मुख्यालय कहाँ पर है, सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए विश्व डाक संघ का मुख्यालय कहाँ पर है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा बर्न में, या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, ए करेक्ट आंसर होगा इसका। स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न और बर्न में विश्व डाक संघ का मुख्यालय है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता कौन है, आपको बताना है नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता कौन है, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा मेधा पाटकर, या ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, मेधा पाटकर करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए, स्टेनलेस स्टील क्या है, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। क्या पूछा गया, स्टेनलेस स्टील क्या है, गैस धातु, मिश्र धातु या फिर ननौपधि, जिनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा मिश्र धातु, यस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। बताइए विश्व दूर संचार दिवस कब मनाया जाता है, सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए विश्व दूर संचार दिवस कब मनाया जाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 17 मई को। क्या करेक्ट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर होगा, 17 मई को मनाया जाता है विश्व दूर संचार दिवस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। बताइए गांधी को महात्मा किसने कहा था, आपको बताना है गांधी को महात्मा किसने कहा था, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने, या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी को महात्मा कहा था, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइए इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, चार ऑप्शन को पढ़ लीजिए उसके बाद ही आंसर करिएगा।
ये केमिस्ट्री संबंधित क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? MgOH का होल ट्वाइस। क्या होता है? MgOH का होल ट्वाइस। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बाकी आप लोग याद रखिएगा, सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फार्मूला होता है H2SO4, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फार्मूला होता है NH4OH, और आप लोग याद रखिएगा नाइट्रिक एसिड का केमिकल फार्मूला होता है HNO3। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए, तद्बोधनी सभा की स्थापना किसने की थी? ए करेक्ट आंसर होगा, देवेंद्रनाथ ठाकुर ने। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, देवेंद्रनाथ ठाकुर ने तद्बोधनी सभा की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन इस प्रकार है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन निष्क्रिय गैस पाई जाती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सबसे अधिक मात्रा में आपको बताना है पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी निष्क्रिय गैस है, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन या फिर जिनॉन। इस प्रकार से ऑप्शंस हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑर्गन। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में ऑर्गन निष्क्रिय गैस पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? सरल क्वेश्चन है, सभी जल्दी से आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? सातवां स्थान है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। पहले स्थान पर कौन सा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो आप लोग याद रखिएगा, रशिया पहले स्थान पर है और भारत सातवें स्थान पर है। और अगर पूछा जाए जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में पहले स्थान पर कौन सा है, तब आप लोग याद रखिएगा अपना देश भारत। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 22 के लिए, भारत का 28वां राज्य कौन सा है? सभी इसका आंसर करिए, बताइए भारत का 28वां राज्य कौन सा है, इसका राइट आंसर क्या होगा। बी करेक्ट आंसर होगा, झारखंड। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, झारखंड भारत का 28वां राज्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तेलंगाना करेक्ट आंसर नहीं होगा, तेलंगाना भारत का 29वां राज्य है। तेलंगाना भारत का 29वां राज्य है, झारखंड इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए, बताइए भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछा गया है भारत में कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर पूछा जाए सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में है, तब आप लोग याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या है, और जनसंख्या घनत्व पूछा गया है तो बिहार करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए, बताइए ईरान का नेपोलियन किसे कहते हैं? ईरान का नेपोलियन कहा जाता है नादिर शाह को, भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। अगर पूछा जाए भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, समुद्रगुप्त को कहते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए, हवा क्या है, भारी उपभारीन, दोनों या फिर नन ऑफ दीज। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारयुक्त। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, हवा भारयुक्त है। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 26 के लिए, आंसर करिए, बताइए राइट आंसर क्या होगा। LED का फुल फॉर्म क्या होता है? LED के आविष्कार के लिए 2014 में नोबेल पुरस्कार मिला था, आपको बताना है LED का फुल फॉर्म क्या होता है, पूर्ण रूप बताना आपको। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, लाइट एमिटिंग डायोड। सी करेक्ट आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आंसर करिए, बताइए मानव शरीर में रक्त कहाँ पर शुद्ध होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? मानव शरीर में रक्त कहाँ पर शुद्ध होता है? हृदय, फेफड़ा, ब्रक या फिर धमनी। इस प्रकार से ऑप्शन है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, किडनी में। सी इसका राइट आंसर होगा, ब्रक करेक्ट आंसर होगा इसका। ये बायोलॉजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए, बताइए थल सेना, वायुसेना, नौसेना का मुख्यालय कहाँ पर है? हेडक्वार्टर पूछा गया है थल सेना, वायुसेना और नौसेना का। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देहरादून, नई दिल्ली, बंगलुरु या फिर लखनऊ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, नई दिल्ली में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा,
नई दिल्ली में थल सेना, वायु सेना, नौसेना का मुख्यालय। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। बताइए जसपाल राणा किस खेल से संबंधित हैं? मुक्केबाजी, निशानेबाजी, तीरंदाजी या फिर बारोत्तोलन। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, निशानेबाजी से, शूटिंग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। बताइए अंबुवाची मेला प्रतिवर्ष किस मंदिर में लगता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? कामाख्या मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर, केदारनाथ मंदिर। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कामाख्या देवी मंदिर में। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अंबुमाची मेला लगता है कामाख्या देवी मंदिर में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ये कहाँ पर है अगर पूछा जाए? असम के गुवाहाटी में। कहाँ पर है? असम के गुवाहाटी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। दही बनने में सहायक बैक्टीरिया होते हैं, कौन बैक्टीरिया दही बनने में सहायक होते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, लैक्टोबैसिलस एस्टोफाइलस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है 32 के लिए आंसर करिए। बताइए भीमबेटका नामक विश्व धरोहर किसके लिए प्रसिद्ध है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। इसका करेक्ट आंसर बताइए, भीमबेटका नामक विश्व धरोहर किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रागैतिहासिक शिलालेखों के लिए। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। बी करेक्ट आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। मनुष्य में जो पाचन क्रिया है कहाँ से प्रारंभ होती है? आंसर बताइए, सी करेक्ट आंसर होगा, मुख से। मुख से प्रारंभ होती है मनुष्य में पाचन क्रिया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 34 के लिए आंसर करिए। बताइए टी शब्द किस खेल से संबंधित है? क्या पूछा गया? टी शब्द किस खेल से संबंधित है? मुक्केबाजी, गोल्फ, शतरंज या फिर ननौबदीज। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, गोल्फ से। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, गोल्फ से संबंधित है टी शब्द, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। जम्मू कश्मीर केसर खेती के लिए प्रसिद्ध है, कई बार मैंने आपको बताया भी है। भारत में सबसे अधिक जो केसर का उत्पादन है जम्मू कश्मीर में होता है। आपको बताना है जम्मू कश्मीर में कौन सा स्थान केसर के लिए सबसे प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पंपोर। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। पंपोर जम्मू कश्मीर में केसर खेती के लिए सबसे प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 36 के लिए आंसर करिए। बताइए इनमें से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप है? चार ऑप्शन आपको दिए गए, बताइए इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का कौन सा एक रूप है? सी इसका राइट आंसर होगा, चूना पत्थर। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। स्वच्छ भारत अभियान भारत में कब शुरू हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। बताइए स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 अक्टूबर 2014 में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, 2 अक्टूबर 2014 में स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? अभी ये क्वेश्चन मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में बताया था, तो आप लोग राइट आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कानपुर में। सी करेक्ट आंसर होगा, उत्तर प्रदेश के कानपुर में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। बताइए मिशनरी ऑफ चैरिटी किस शहर में? तो सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए मिशनरी ऑफ चैरिटी किस शहर में? इसका राइट आंसर क्या होगा? चेन्नई में, कोलकाता में, नई दिल्ली में या फिर रांची में? इसका राइट आंसर बताइएगा। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। बी करेक्ट आंसर होगा इसका, आप लोग याद रखिएगा। कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। रांची करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। कोलकाता में, कोलकाता वेस्ट बंगाल की राजधानी है। पूछा जाता है कोलकाता कहाँ की राजधानी है, वेस्ट बंगाल की राजधानी है। ये जो कोलकाता है हुगली नदी किनारे बसा है। ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम भी कोलकाता में है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल बताइए क्या होगा। सभी इसका आंसर करिएगा, बताइए श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है। गुड इवनिंग, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल बताइएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वॉलीबॉल। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, वॉलीबॉल श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। श्रीलंका भारत के साउथ में स्थित है, कई बार मैंने आपको बताया भी है और अभी यह क्वेश्चन पूछा भी गया था। श्रीलंका और भारत के मध्य जो जल संधि है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा पाक स्टेट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, पाक स्टेट के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर क्या होगा, भारतीय संसद द्वारा भगोड़ा आर्थिक अधिनियम कब पारित किया गया था, इसका राइट आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन नंबर 41 के लिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, भारतीय संसद द्वारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम कब पारित किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 2018 में। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 के लिए आंसर करिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में डांसिंग गर्ल की मूर्ति किससे बनी थी, तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, सिंधु घाटी सभ्यता में जो डांसिंग गर्ल की मूर्ति थी किससे बनी थी, इसका राइट आंसर बताइए। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कौन से, यस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, सिंधु घाटी सभ्यता में डांसिंग गर्ल की मूर्ति कौन से बनी थी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है 43 के लिए आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, स्वदेश पाइनी के संस्थापक कौन थे, इसका राइट आंसर बताइए, स्वदेश पाइनी के संस्थापक आपको बताने हैं कौन थे, इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शंस को पढ़ लीजिए उसके बाद ही आंसर करिएगा, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, रामकृष्ण पिल्लई, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा, स्वदेश पाइनी के संपादक रामकृष्ण पिल्लई थे, सी करेक्ट आंसर होगा। संपादक पूछे गए हैं स्वदेश पाइनी के, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, रामकृष्ण पिल्लई। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए, आपको बताना है लोथल वर्तमान में भारत के किस राज्य में है। लोथल को मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। अगर परीक्षा में पूछा जाए किसे मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा लोथल को। अभी आपको बताना है लोथल कहाँ पर है, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब या फिर गुजरात में, इस प्रकार से ऑप्शन है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, गुजरात में। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, गुजरात में लोथल। 45 के लिए आंसर करिए, भारत के सबसे दक्षिणी सिरे का नाम क्या है, भारत के सबसे दक्षिणी सिरे का नाम बताइए क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, इंदिरा पॉइंट। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, इंदिरा पॉइंट भारत के दक्षिणी सिरे का नाम है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखिए। 46 के लिए आंसर करिए, बताइए भारतीय नौसेना के अध्यक्ष के पद को क्या कहते हैं, तभी इसका आंसर करिएगा, भारतीय नौसेना के अध्यक्ष के पद को क्या कहा जाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, एडमिरल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एडमिरल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए, बताइए विदेशिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है, इसका राइट आंसर क्या होगा, विदेशिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है, उड़ीसा, बिहार, वेस्ट बंगाल या फिर झारखंड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बिहार से संबंधित है, बिहार का मुख्यतः फोक डांस है, लोक नृत्य है विदेशिया बिहार का, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए, करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था, ये आपको बताना है, करो या मरो का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था। पूछा जाता है किसने दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था। कब दिया था ये नारा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था,
नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने। इसी के दौरान महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए, बानों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? सभी इसका आंसर करिए, बताइए बानों को भारत का मंदिर किसने कहा था, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, इन्होंने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत की रियासतों के एकीकरण में निर्णायक भूमिका निभाई थी, किसने निभाई थी, ये आपको बताना है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा, भारत की रियासतों के एकीकरण में निर्णायक भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निभाई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। अगर पूछा जाए भारतीय बिस्मार्क किसे कहा जाता है, तो आप लोग याद रखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए, फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी बताइएगा, फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? बी करेक्ट आंसर होगा पुडुचेरी। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, पुडुचेरी फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। और अगर पूछा जाए पुर्तगाली उपनिवेश की राजधानी क्या थी, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछ सकते हैं पुर्तगाली उपनिवेश की राजधानी क्या थी, तो आप लोग याद रखिएगा गोवा। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 52 के लिए आंसर करिए, बंगाल के शोक के नाम से किसे जाना जाता है, बताइए बंगाल के शोक के नाम से किसे जाना जाता है? ए करेक्ट आंसर होगा, दामोदर को। बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है, गोमती नदी के किनारे लखनऊ शहर बसा, आप लोग याद रखिएगा जो लखनऊ है उत्तर प्रदेश की राजधानी है, गोमती नदी किनारे बसा है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, अगर पूछा जाए बिहार का शोक किसे कहते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा कोसी नदी को। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए, मध्य प्रदेश का स्टेट फ्रूट बताइए क्या है, राजकीय फल क्या है मध्य प्रदेश का, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मैंगो। क्या ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है? आम मध्य प्रदेश का राजकीय फल है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। और अगर पूछा जाए परीक्षा में, क्या क्वेश्चन पूछा जाए परीक्षा में, आम का बॉटेनिकल नेम क्या होता है, तो आप लोग याद रखिएगा मैंगी फेरा इंडिका आम का बॉटेनिकल नेम है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए, हमारे सौर मंडल का कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है? सभी इसका आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, शुक्र। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, शुक्र पृथ्वी में समान है आकार में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, पृथ्वी के आकार में समान है शुक्र, तो सी करेक्ट आंसर होगा। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वां बहन भी कहा जाता है, अगर पूछा जाए पृथ्वी का जुड़वां बहन किसे कहा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा शुक्र को। और इसे सांझ का तारा, भोर का तारा भी कहा जाता है, और ये सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। अगर पूछा जाए हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो आप लोग याद रखिएगा शुक्र। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए, बताइए वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? सभी इसका आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्षोभ मंडल। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए, बताइए इनमें से विद्युत का कुचालक कौन सा है, इसका राइट आंसर बताइएगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए, क्या पूछा गया है इनमें से विद्युत का कुचालक क्या है, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, शुद्ध पानी। डी करेक्ट आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, शुद्ध पानी विद्युत का कुचालक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, डी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, 57 के लिए आंसर करिए, सिटीजन एंड सोसाइटी नामक पुस्तक किसने लिखी है? सभी इसका आंसर करिएगा, सिटीजन एंड सोसाइटी नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हामिद अंसारी। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, इन्होंने सिटीजन एंड सोसाइटी नामक पुस्तक लिखी है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए,
भारत के पहले ओडीआई कैप्टन कौन है? भारत के पहले ओडीआई कैप्टन कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अजीत बाडेकर। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, अजीत बाडेकर भारत के पहले ओडीआई कैप्टन है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 59 के लिए, डबल फॉल्ट किस खेल से संबंधित शब्द है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। बताइए क्वेश्चन नंबर 59 का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, टेनिस से संबंधित है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। बताइए कोस्का का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोस्का का पावर हाउस किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया को। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया को कोस्का का पावर हाउस कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, सी इसका राइट आंसर है। बहुत अच्छे, गुड, सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। डेली क्लास होती है शाम को 8 बजे, जीके जीएस की क्लास है, सभी लोग डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। बहुत अच्छे, चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।